सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को नए नए टाइप के नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए। तो क्या हमको फिनेस्टाइड या डूटास्टाइड जो मेडिसिन आती है हेयर फॉल रोकने के लिए वो हमको लेना चाहिए या नहीं? अगर हम मिनोक्सिडिल भी लगा रहे हैं और हेयर सप्लीमेंट भी ले रहे हैं तो साथ में क्या फिनेस्टाइड या डूटास्टाइड लें या नहीं? तो कुछ इस टाइप से कई लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कमेंट करके। तो आज की इस वीडियो में आपके पूरे डाउट जो है क्लियर कर दूंगा, शुरू से लेके आखिरी तक पूरा वीडियो देखिएगा। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, जो नए लोग हैं, फिनेस्टाइड और डूटास्टाइड के बारे में बता देता हूँ। ये दोनों जो है डीएसटी ब्लॉकर मेडिसिन है, जिनका डीएसटी के कारण या एंड्रोजेनेटिक के कारण हेयर फॉल होता है, उनको फिनेस्टाइड या डूटास्टाइड दोनों में से कोई एक मेडिसिन लेना होती है। फिनेस्टाइड जो है 1 mg लेना होती है और डूटास्टाइड जो है 0.5 mg लेना होती है। तो डूटास्टाइड जो है फिनेस्टाइड से एडवांस मेडिसिन है, लेकिन एफडीए अप्रूव्ड नहीं है, और फिनेस्टाइड 1 mg जो है एफडीए अप्रूव्ड मेडिसिन है। इसलिए कई डॉक्टर जो है फिनेस्टाइड लिखते हैं, लेकिन कई डॉक्टर जो है डर्मेटोलॉजिस्ट बोल दूं मैं, वो आजकल डूटास्टाइड 0.5 mg लिखने लगे हैं, क्योंकि डूटास्टाइड के अच्छे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो है मेजरली इनमें फ़र्क है, डिफरेंस है। बाकी बहुत सारे वीडियो में इन दोनों को लेकर बना चुका हूँ, इन दोनों के डोज के बारे में, इन दोनों के साइड इफेक्ट के बारे में जो है मैं वीडियो बना चुका हूं। तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तो वहां से क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हो। तो दोस्तों, इधर कई लोग मुझसे पूछते हैं, सर हमें डॉक्टर ने मिनोक्सिडिल भी लिखा है और हेयर सप्लीमेंट भी लिखी है और साथ में फिनेस्टाइड भी लिख दी है, या तो फिनेस्टाइड की जगह डूटास्टाइड लिख दी है टेबलेट, तो हम लें कि नहीं लें? तो दोस्तों, अगर डॉक्टर ने लिखी है तो मैं यही बोलूंगा कि आपको लेना चाहिए, और अगर आपको नहीं लेना है, अगर आपको कोई ऐसा डर लग रहा है कि कहीं इसका कोई साइड इफेक्ट ना हो जाए, सबसे मेन चीज़ है कि आपको यही डर लगता है, मैं समझ सकता हूँ कि कोई साइड इफेक्ट ना हो जाए फिनेस्टाइड या डूटास्टाइड का, तो आपको डॉक्टर से जो है अच्छी तरीके से पूछना है, सर कहीं हमको इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो जाएगा। तो इधर मैं बता दूँ दोस्तों, साइड इफेक्ट हर किसी को नहीं होता है, कुछ कुछ लोग को ही साइड इफेक्ट होता है, और अगर आप ऐसा सोच लोगे, साइकोलॉजिकल आपको इफेक्ट पड़ेगा, आपको नहीं भी हो रहा होगा तो सही में साइड इफेक्ट हो जाएगा, तो अपने दिमाग से निकाल दीजिए, और आप ये मत सोचिए कि हमको कोई साइड इफेक्ट ऐसा हो रहा है, अदरवाइज तो आपको साइकोलॉजिकल साइड इफेक्ट हो जाएगा। तो इधर आपको समझ में आ गया होगा, आपको डॉक्टर से पूछना है अगर डॉक्टर ने लिखी है तो। अगर आपको डॉक्टर ने नहीं लिखी है, आप खुद से ले रहे हैं, तो इधर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको, आप जैसे मिनोक्सिडिल लगा रहे हैं तो मिनोक्सिडिल आपको कोई भी कॉम्बिनेशन वाला लगाना है, और आप हेयर सप्लीमेंट ले रहे हैं, तो ये जब दोनों चीज़ लेते हैं, तो अगर आपको रिजल्ट मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आपको फिर फिनेस्टाइड डूटास्टाइड कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो फिर आपको फिनेस्टाइड या डूटास्टाइड दोनों में से कोई एक मेडिसिन तो लेना ही पड़ेगी। और अगर आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, पीआरपी करा लें या टर्मा रोलर करा के देख लें, अगर उसके बाद भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है तब तो आपको फिनेस्टाइड डूटास्टाइड लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि हमारे जो बाल हैं मेनली डीएसटी के कारण झड़ते हैं, और यह मेडिसिन डीएसटी को कंट्रोल करती है, ना कि बंद करती है, और डीएसटी बहुत बड़ा कारण होता है हमारा हेयर फॉल होने के लिए। अब मैं दोस्तों कुछ अपने डॉक्टर के बारे में बताना चाहूँगा, कि मेरे जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, जहाँ मैं अपना ट्रीटमेंट करवाता हूँ और टाइम टाइम पे जो है मैं अपने पीआरपी भी कराते रहता हूँ, तो उनसे मेरी बात हुई, तो मेरे जो डॉक्टर हैं डर्मेटोलॉजिस्ट, वो स्टार्टिंग में कोई हेयर फॉल की समस्या लेके आता है तो वो भी मिनोक्सिडिल लिखते हैं, और कोई हेयर मतलब कोई भी हेयर सप्लीमेंट लिख देते हैं, उसके बाद भी अगर उनका हेयर फॉल नहीं रुक रहा है तब वो पीआरपी के लिए एडवाइस करते हैं, या तो फिनेस्टाइड डूटास्टाइड लिखते हैं। तो मेरे डॉक्टर ने ये बोला कि कई लोगों को हमने मिनोक्सिडिल भी दिया, हेयर सप्लीमेंट भी दिया, और जो है पीआरपी भी कराया, तो कई जो पेशेंट आते हैं ना, उनको पहले से पता रहता है कि सर हमको फिनेस्टाइड डूटास्टाइड मेडिसिन नहीं चाहिए, क्योंकि इसका जो है इनके जो है साइड इफेक्ट होते हैं। तो आजकल दोस्तों यूट्यूब और नेट पे सब लोग देख ही लेते हैं कि इनके साइड इफेक्ट ऐसे ऐसे होते हैं, तो जो हमारे डॉक्टर हैं वो बोलते हैं ठीक है, आप पीआरपी कराइए, मिनोक्सिडिल लगाइए और हेयर सप्लीमेंट लीजिए, उसके बाद भी जब हेयर फॉल नहीं रुकता है तब डॉक्टर यही बोलते हैं कि आपको डूटास्टाइड या फिनेस्टाइड दोनों में से लेनी पड़ेगी। तो मेरे जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं वो डूटास्टाइड लिखते हैं, तो उसके बाद जो है उनको बहुत अच्छा फायदा मिलता है और काफ़ी कंट्रोल हो जाता है हेयर फॉल। तो ये मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताया कि किसी किसी को जो है कुछ भी दे दो तो फर्क नहीं पड़ता है, और जैसे ही डूटास्टाइड स्टार्ट की या तो फिनेस्टाइड स्टार्ट की तो उनको जो है काफ़ी बेनिफिट मिलता है। तो मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट ये बोलते हैं, और वो मोस्टली जो है मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट जो है मोस्टली डूटास्टाइड रिकमेंड करते हैं, क्योंकि उसके बहुत अच्छे रिजल्ट उनको देखने को मिले हैं।
तो जो मेरे डॉक्टर हैं वो क्या करते हैं कि ड्यूटास्टैट को स्टार्टिंग में तो रोज उनके रेगुलर चलाते हैं, तो दोस्तों उसके बाद जैसे ही हेयर फॉल कम होते जाता है तो ड्यूटास्टैट का जो डोज है वो कम करते जाते हैं, महीने में एक बार तक जो है कर देते हैं मेरे जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं वो। तो हर डॉक्टर का ट्रीटमेंट करने का जो है तरीका अलग अलग होता है, तो ये मेरे डॉक्टर जो है डर्मेटोलॉजिस्ट उन्होंने बताया कि इस टाइप से जो है फिनेस्टाइड ड्यूटास्टैट देना पड़ती है, जिनको फायदा नहीं मिल रहा है तो फिर आखिरी उपाय यही होता है, और इसके इनको इसको देने के बाद भी फायदा नहीं मिला तो मुश्किल है शायद ही फिर किसी ट्रीटमेंट से फायदा मिले। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि फिनेस्टाइड जो ड्यूटास्टेराइड है आप नहीं ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपको फायदा नहीं मिलेगा जो भी आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं ए टू जेड, तो आखिरी में जो है आपको लेकर देखना पड़ेगा। और दोस्तों अगर आपके डॉक्टर ने बोला है तो ये तो अच्छी बात है, आपको लेना ही चाहिए, क्योंकि डॉक्टर ने पूरी स्थिति देखी होगी आपकी क्या स्थिति है और कितना हेयर फॉल हो रहा है, और कुछ भी साइड इफेक्ट होता है ना तो वो आप डॉक्टर से बोल सकते हो कि सर हमको जो है फेनेस्टाइड ड्यूटास्टेराइड लेने के बाद जो ये साइड इफेक्ट हो रहा है। हालांकि दोस्तों इधर मैं एक चीज बताना चाहूंगा, पहले में जो मेरा शुरू से वीडियो देखते हो उनको पता होगा फेनेस्टाइड और ड्यूटास्टेराइड के जो साइड इफेक्ट हैं टेम्परेरी होते हैं, कोई परमानेंट जो है साइड इफेक्ट नहीं होते, मैक्सिमम जो है महीने भर के अंदर आपका साइड इफेक्ट चला जाता है, ऐसा नहीं है कि आपको साइड इफेक्ट हो गया तो जिंदगी भर ही होता है, ऐसा नहीं है, टेम्परेरी साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, तो वो अपने डॉक्टर से जो है आप और अच्छे से कंसल्ट कर सकते हैं। तो इधर जो है आपको समझ में आ गया होगा कि आपको फेनेस्टाइड या मैं बोल दूँ ड्यूटास्टेराइड लेना है या नहीं। कई लोग मुझसे बार बार पूछते हैं सर हम लें या नहीं लें, तो मैं कैसे बताऊँ आपको, अगर आपको नहीं लेना तो मत लीजिए, आप जो भी ट्रीटमेंट करा रहे हैं वो कराइए और उससे फायदा मिल जाए तो आप बिल्कुल मत लीजिए, और नहीं मिल रहा है तो एक बार तो लेके आपको देखना ही पड़ेगा, और जैसे ही फायदा मिल जाए तो आप इसको बंद कर दीजिए या तो इसके डोज कम कर दीजिए, बाकी मिनोक्सिडिल तो आपको जिंदगी भर लगाना है और कॉम्बिनेशन वाला लगाते रहिए, और मल्टी विटामिन भी जो है आप उसको रेगुलर लेते रहें तो अच्छा रहेगा। हालांकि मल्टी विटामिन जो है या मैं बोल दूँ हेयर सप्लीमेंट बीच बीच में उसको गैप कर सकते हो उसमें भी आप, लेकिन मिनोक्सिडिल में आप गैप नहीं कर सकते हो, एक दो दिन छूट जाता है बात अलग होती है। तो दोस्तों इधर आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको कमेंट द्वारा जवाब दूंगा, नहीं तो एक वीडियो बना के ही समझाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों जो नए लोग हैं उनको मैं बता दूं कि इस टाइप से वीडियो में लाते रहता हूं, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो हो सकता है कि आपका कोई काम का वीडियो हो और आपको मेरे वीडियो से मदद मिल जाए तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी, तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप बने रहिए देखते रहिए अपने चैनल में नॉलेज फॉर इंडिया।